आधे घंटे तक क्या बातचीत हुई और अवैध सिंह के मुद्दे को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी आया हूँ और अभय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पूरे कोल्हान परमंडल में आंदोलन हुआ था, धरना हुआ था। उस समय भी हम सभी जगहों पर गए थे और उस वक्त भी हम अभय सिंह से मिले थे और आज भी हम मिले। और मैंने पहले भी कहा कि अभय सिंह को जानबूझ करके सत्ता में जो लोग बैठे हुए लोगों ने फंसाया है, क्योंकि जिस घटना में अब कदमा का केस, जहां व्यक्ति उपस्थित ही नहीं और उनके ऊपर केस डाला गया, फिर मानगो का भी कब का केस क्या था, बाद में उसमें भी नाम डाला गया, तो ये बिल्कुल अस्पष्ट है। और मैं समझता हूँ कि जमशेदपुर के एक एक बच्चा को ये पता है कि अभय सिंह को फंसाया गया है और पॉलिटिकल वेंडिक्ट होकर के उनको फंसाया गया है। क्योंकि कईकों को लगता है कि राजनीति में शायद अभय सिंह बाहर आ जाएंगे या वो खड़े रहेंगे तो हम लोगों की राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। जब ऐसे जो लोगों को परेशानी होती है तो वो लोग फिर इसी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं कि इस मुकदमा में लोगों को फंसाओ, जेल में डालो। लेकिन आज भी अभय सिंह से मिले कि भाई भले वो आज खोला जेल में बंद है, लेकिन शेर तो शेर ही होता है और शेर फिर जंगल फिर निकलेंगे तो फिर तो समाज के लिए जो काम करता है वो समाज जीवन में वो काम करता है वो तो करते ही है। एक केस में बेल मिलने के बाद फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे होते रहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए लोगों को पता है, या तो इकट्ठे केस कर देता है एक बार में, इकट्ठे बता देता है। लेकिन जान करके अगर इसको प्रोडक्शन अलग अलग, जैसे बेल होता है फिर दूसरा प्रोडक्शन डाल देना, तो ये साफ दिखता है कि पुलिस प्रशासन ने जो उस वक्त काम किया तो वो बिल्कुल दिख रहा है कि एक टूल्स की तरह काम किया, जो पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए। सर, एक सवाल पार्टी को लेकर है कि जिस मामले में, अभय सिंह के मामले में जिस तरीके के यहाँ का पार्टी जिला दे रहा वो खड़ा नहीं हुआ, सभी लोग आए लेकिन जिला अपने स्तर से कोई भी धरना प्रदर्शन की बात हुआ नहीं। पूरी पार्टी लगी है, पूरी पार्टी ने कार्यक्रम किया, पूरे कोल्हान में, जैसे मैंने बताया, मैं तो खुद आया था। आप आए थे लेकिन स्थानीय लोग नहीं है? स्थानीय लोग भी आए, कोई अपना अपना काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पूरी पार्टी थी। अगर एकाध व्यक्ति कोई इधर उधर गए होंगे, नहीं आए होंगे, अलग विषय है, लेकिन बाकी तो सारे के सारे लोग आंदोलन में लगे हैं और सब लोग अभय जी के साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी अभय सिंह के साथ खड़ी है। सर, गुटबाजी जो यहाँ जमशेदपुर उसको कैसे खत्म करेंगे आप? नहीं, मुझे तो कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई गुटबाजी है। अरे ठीक है, दो चार थोड़ा कुछ कुछ नाराजगी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। और मुझे, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ यार, जब घर द्वार बड़ा होता है, घर में भी शादी ब्याह होता है, कभी पत्नी नाराज़ हो जाती है, हमें ऐसे साड़ी नहीं दिया दुर्गा पूजा में, तो कोई बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, ये सब कुछ कुछ होते रहता है। इतना बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है।